हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएल। अभी हम डिस्कशन करेंगे डेली करेंट अफेयर्स एमसीक्यूज ऑन 18 जून 2020। ओके, सो इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट जो कि एमसीक्यू है जो कि ऑल द एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो चलिए देखते हैं। सो ये पहला जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2019-2020, व्हिच इज करेक्ट रिगार्डिंग द सर्विस सेक्टर इन इंडिया। सो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है। सो यो पहला जो ऑप्शन है, इट अकाउंट्स फॉर स्लाइटली मोर देन हाफ ऑफ द टोटल साइज ऑफ इकोनॉमी। यस, दिस इज करेक्ट। इट अकाउंट्स फॉर द 2/3 ऑफ द टोटल एफडीआई इनफ्लोस इनटू द इंडिया। यस, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। इट अकाउंट्स फॉर स्लाइटली मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो हियर द ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट हियर। सो सर्विस सेक्टर जो है एस्टिमेटेड टू ग्रो इन द 6.9 इन द 2019-20 एज कम्पेयर टू 7.5 इन द 2018-19। ओके, सर्विस सेक्टर इज एस्टिमेटेड कैसे किया जाता है, टू कंट्रीब्यूट 55.3% टू इंडियाज जीवीए इन द 2019-20। सो हियर द आंसर विल बी डी। सो सेकंड क्वेश्चन, गवर्नमेंट अनाउंस द विलेज स्टोरेज स्कीम फॉर द क्रिएशन ऑफ द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। इट इज प्रपोज्ड टू रन बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे हम देखेंगे। सो ये जो है, ये विलेज स्टोरेज स्कीम के बारे में हमें जानना चाहिए। विलेज स्टोरेज स्कीम जो है, ये बजट स्पीच में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंसमेंट किया था। सो ये जो विलेज स्टोरेज स्कीम जो है उन्होंने लॉन्च किया था। ओके, सो इसको रन कौन करेगा, रन बाय द वुमेन्स मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसका जो एम है, द स्कीम इज टू प्रोवाइड होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द फार्मर्स एंड थ्रू दिस वुमेन इन द विलेज एंड रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री विल बी एबल टू रिटेन देयर स्टेटस एज द धन्यलक्ष्मी। ओके, वन ऑफ द 8 फॉर्म्स ऑफ द हिंदू डेटी मीन्स लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ। सो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन लिस्टेड ए 16-point एक्शन प्लान फॉर फार्मर्स इन हर बजट स्पीच टुवर्ड्स द गोल ऑफ द डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय द 2022। द विलेज स्टोरेज स्कीम वॉज द 6th एक्शन पॉइंट ऑन हर लिस्ट। ओके, सो बी विल बी द आंसर। सो थर्ड क्वेश्चन, अंडर द जो कि इंटरिम रिपोर्ट ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, द डीवोल्यूशन ऑफ द टैक्स टू स्टेट इज। सो हियर द आंसर विल बी द डिक्रीज बाय 1%। फोर्थ क्वेश्चन, इनकम डिस्टेंस व्हिच इज ए क्राइटेरिया फॉर द डीवोल्यूशन ऑफ द टैक्सेस टू द स्टेट। द डिस्टेंस ऑफ द स्टेट इनकम फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो द स्टेट विद द हाइएस्ट इनकम। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, आरबीआई हैज डिसाइडेड टू अलाइन इट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर विथ दैट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल ईयर फ्रॉम 2020-2021। द करेंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द आरबीआई इज जुलाई टू जून। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हिच स्ट्रेट कनेक्ट द ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव। सो हियर द आंसर विल बी डी। ओके, कच स्ट्रेट। सो यहाँ पे मैप में हम देखेंगे। सो मैप जो है आप देख रहे हो, सो दिस इज द ब्लैक सी एंड दिस इज द सी ऑफ अजोव। सो यहाँ पे जो है ये कनेक्ट करता है कच, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ कच। सो यह हो गया रशिया, ये हो गया यूरोप, ठीक है, ये हो गया टर्की। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेडिटेरियन सी है। सो सेवन नंबर क्वेश्चन, विथ रिगार्ड टू द हंटिंगटन डिजीज रिसेंटली सीन द न्यूज। ये एक क्या है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इट अफेक्ट्स द ब्रेन दैट कॉजेस द अनकंट्रोल मूवमेंट। यस, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट हियर। ओके, सो इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है,
सो ये जो है एक इनहेरिटेड कंडीशन इन व्हिच नर्व सेल्स इन द ब्रेन ब्रेक डाउन ओवर द टाइम। ओके सो ये जो है ये जो टाइपिकली स्टार्ट इन द पर्सन्स 30 to 40s। ओके ये एक रेयर होता है जो कि बहुत ही कम मिलता है। ट्रीटमेंट कैन हेल्प बट दिस जो कि कंडीशन कैन नॉट बी क्योर। 8 नंबर क्वेश्चन मध्यपुरी जमराज। ओके ये एक जो है एक स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है इस एट द कोविड 19 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में। ये एक शॉर्ट फिल्म मेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। हियर द आंसर विल बी बी उड़िया। 9 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द मंथली होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI इन द मे 2020। हियर द आंसर विल बी डी -3.21%। सो बिकॉज क्योंकि जो कोविड 19 के लिए सब कुछ बंद था तो इसलिए होलसेल जो है प्राइस इंडेक्स जो है कम हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ई ऑफिस एप्लीकेशन इन और ओवर द 500 ऑफ इट्स ऑफिसेस टू इम्प्रूव द ई गवर्नेंस। हियर द आंसर विल बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। सो 11 नंबर क्वेश्चन व्हिच पेमेंट बैंक लॉन्च द सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर द वर्क फोर्स ऑफ द MSME। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये जो है ये एयरटेल पेमेंट बैंक है, इसने ही इसको लॉन्च किया सुरक्षा सैलरी अकाउंट। सो इसके बारे में देखेंगे। सुरक्षा सैलरी अकाउंट MSME एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू मेक द कैशलेस पेमेंट एंड ऑल्सो द प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी ब्लैंकेट टू देयर एम्प्लॉयज। ओके द बेनिफिट अंडर द अकाउंट इंक्लूड द हॉस्पिटल इंश्योरेंस पर्सनल एक्सीडेंट जो कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर given the low penetration of the insurance in India. So that's all. Thank you. Please subscribe my channel.